वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि शम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके सभी 12 राशियों के राशिफल के बारे में, और आप हमारा देख रहे हैं खास कार्यक्रम ग्रहों की शक्ति। 26 सितंबर 2020 आपका कैसा रहेगा, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले आज का पंचांग, अश्विन माह दसवीं तिथि उत्तराषाढ़ नक्षत्र और अतिगंड योग रहेगा, तैतिल करण और शनिवार का दिन। अभिजित मुहूर्त आपका 11:42 से 12:22 तक रहेगा। आज के दिन इस समय आप कोई कार्य करेंगे तो वो आपका कार्य सिद्ध होगा। जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि आपके लिए अनेक प्रकार की जो प्लानिंग है, आज शनिवार का दिन है, आपको अनेक प्रकार की चीज़ें जो आपके दिन में चल रही थी वो अब आपको प्राप्त होंगी। निश्चित तौर पर आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों को कोई प्लानिंग करनी है, घूमने फिरने जाना है, वह आज जा सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी बनी हुई है, अपने पार्टनर के साथ या लव पार्टनर के साथ आप समय बिता सकते हैं, ऐसा समय आज का आपका बनता है। वृष राशि राशि स्वामी शुक्र हैं आपके, लग्जरी के पार्ट हैं। अनेक प्रकार की जो प्लानिंग है उसमें आपका प्राइस से संबंधित, जो दर्शक जो जातक विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं वह आज से प्रारंभ करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बाहर जाने का योग बनेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। जो व्यापारी वर्ग है, आज के दिन आप काली वस्तुओं का व्यापार करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, जैसे काला तिल है, काला उड़द है इत्यादि इत्यादि, इनमें आपको बिजनेस में प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो दर्शक अपने नौकरी पैसे वाले हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू आदि के जो प्रोग्राम बना रहे थे, अब आपको कोई कॉल आ सकता है, यानी कि जॉब से संबंधित आपको खुश खबरी आपको मिल सकती है। अब बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के राशि स्वामी बुध हैं और आपको बुध का मूवमेंट अनेक प्रकार की सफलता दिला रहा है, यानी कि 4th हाउस में बैठ करके कैरियर से संबंधित आपकी चीज़ें जुड़ रही हैं, उच्च पद की प्राप्ति, जो आपकी थिंकिंग है उसके अकॉर्ड बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। शाम का समय आपका नॉर्मल रहेगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। भगवती जगदम्बा की आराधना करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि राशि स्वामी चंद्रमा है, भगवान शिव की आराधना करेंगे, निश्चित तौर पर आज का दिन आपका ठीक रहेगा। मन में जो डिस्टर्बेंस जो उथल पुथल बनी हुई है उसके लिए भगवान शिव को आप ध्याएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आज आप शाम के समय भ्रमण करने घूमने फिरने भी जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि का राशि स्वामी सूर्य और गोचर कर रहे हैं आपकी कन्या राशि में, यानी कि अनेक प्रकार की जो प्लानिंग आपकी चल रही हैं उनमें थोड़ा सा स्टॉप लगा हुआ है, थोड़ा सा गुस्सेला थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव आज आपका रह सकता है, क्योंकि शनिवार का दिन है और शनि और सूर्य का मूवमेंट जो है आपस में पिता पुत्र का ठीक नहीं है, इसलिए आज थोड़ा सा सावधानी से समय व्यतीत करें। शाम का समय सूर्यास्त के बाद आपका समय ठीक रहेगा, फिर भी आप भगवान शनिदेव की आराधना करें और श्री सूर्यदेव की प्रार्थना करें और श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में करके अपने घर में लक्ष्मी को विराजमान कर सकते हैं। कन्या राशि का स्वामी आपका बुध अपनी स्वराशि में गोचर कर रहा है, साथ में सूर्य भगवान भी गोचर कर रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग अब चार चांद लगाने वाली हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन जो उलझनें चल रही हैं, जो दुविधाएं चल रही हैं, जो कोर्ट कचहरी या कोई कर्जा या परेशानी का कोई योग बना हुआ है उससे निकलने के लिए आप अपने भगवती जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती तीनों स्वरूपों की आराधना करते हुए एक नारियल भगवती के चरणों में चढ़ाएंगे तो आपका कर्जा भी निकलेगा और आपके आने वाले जो परेशानियां हैं वो विपत्तियां भी आपकी दूर होंगी। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र का मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छा दर्शाता है, लेकिन आज का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला, कुछ विशेष तौर पर आपकी प्लानिंग जो है आज आपको फल नहीं दे रही है। शाम के 4 बजे के बाद में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, किसी भी कार्य से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी आपका मंगल और मंगल जो गोचर कर रहे हैं मेष राशि में बकरी हैं, पीड़ित हैं, और वृश्चिक में केतु का रहना यानी कि छाया ग्रह का रहना आपको अनेक प्रकार की जो थिंकिंग जो पॉजिटिविटी आ रही है वो बार बार नेगेटिव हो रही हैं, सोचते हैं फिर विचार करने लगते हैं फिर उसमें नेगेटिव थॉट ढूंढने लगते हैं, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं उसके लिए आप श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि के राशि स्वामी
बृहस्पति आपकी स्वराशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी प्लानिंग के अनुसार आपको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। आपके जो कार्य रुके हुए हैं, अभी रुके हुए हैं, कोई खास लाभ आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, फिर भी आपको शाम को 3 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक, उस समय दिव्यता से आपको एक प्लानिंग जो आपने की हुई है अपने पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और जो पढ़ने वाले जातक हैं, उस शाम को आपका पढ़ने में मन लगेगा। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि का राशि स्वामी शनि बकरी हैं, पीड़ित हैं और अपने स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्लानिंग, जो आपकी थिंकिंग जो चल रही है, वो अभी भ्रमित कर रही हैं, जो थोड़ा रुकावट दे रही हैं। जैसे पत्नी के साथ, पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ दिक्कतें रह सकती हैं। आज आपका खर्चा भी थोड़ा अधिक हो सकता है, किसी धार्मिक कार्य में भी पैसा आपका खर्च हो सकता है और किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि का राशि स्वामी शनि मकर में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि की जो प्लानिंग है, कुंभ राशि के जो एफर्ट हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी मेहनत अभी डूब रही है, यानी 8वें घर से रोग, ऋण, कर्जा, परेशानी की स्थिति बनी हुई है। इसलिए अभी आपको थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की विशेष दिक्कत ना हो। यानी कि खुशी खुशी में आपने अगर पैसा खर्च कर दिया तो फंड संबंधित प्रॉब्लम आएगी, खुशी खुशी में अपनी किसी को कोई बात आपने बता दी तो हंस करके वो आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अभी आपको ध्यान से और सावधानी से समय व्यतीत करना चाहिए। शाम का समय फिर भी आपका काफ़ी हद तक ठीक रहने वाला है। अब बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में गोचर करने के साथ साथ आपकी जो प्लानिंग है उनमें 4 चांद लगा रहे हैं। यात्रा पर जा सकते हैं, 12th हाउस से संबंधित, विदेश यात्रा से संबंधित आपकी प्लानिंग चल रही है, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले जातक हैं या जिनको किसी उच्च पद की प्राप्ति के लिए पार्टिसिपेट करना है या कोई इंटरव्यू देना है, तो अब आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप उसकी तैयारी करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। और विशेष जानने के लिए अपनी कुंडली का विवेचन कराएं, आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने बारे में जान सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।